बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों का लेक्चर 2 है। हमने लेक्चर 1 के अंदर रिग्रेशन स्टार्ट किया था चैप्टर, तो रिग्रेशन के बारे में कुछ डेफिनेशंस मैंने लेक्चर 1 में बताई थी। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम एक लीनियर रिग्रेशन लाइन को कैसे फिट करते हैं। तो फिटिंग अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर से या जिस मेथड से हम इसको फिट कर रहे हैं, हम उस मेथड को कह रहे हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है कि वाई ऑन एक्स ये रिग्रेशन लाइन है। वाई ऑन एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको हम वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, जिसमें वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। इसकी अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाएं तो नॉर्मल इक्वेशंस ऐसे ही बनती हैं, जो कि बनानी पड़ती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। पहले आप ऊपर लाइन लिखेंगे ऐसे, उसके बाद नीचे लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशंस आर। पहली इक्वेशन कैसे बनती है कि आप जो लाइन है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके ऊपर समेशन को अप्लाई करें। समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन वाई के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल है और ए क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो उसके साथ जो है वो आपके जो समेशन होता है वो एन में चेंज हो जाता है। एन ए प्लस बी एक्स में हमारे पास एक्स वेरिएबल है, तो समेशन एक्स के साथ अटैच हो जाएगा, बी वैसे का ही वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक हो गया, ऐसे हमने समेशन अप्लाई कर दिया। और फिर हमने इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी है, इसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनी है कि हमने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो समेशन y जो है वो समेशन एक्स वाई हो गया। n a में n जो है वो दोबारा समेशन में चेंज हो गया, क्योंकि अब x आ रहा है, x वेरिएबल है, तो a वैसे का वैसा रहा और समेशन x आ गया। n जो है वो समेशन x में चेंज हो गया, प्लस b समेशन x का स्केयर हो गया, क्योंकि x एक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक x की जगह पे 2x हो जाएंगे, मतलब एक्स स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 2 इक्वेशंस आप नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। आप इसके अंदर आप डेटे को पुट करेंगे साइमल्टेनियसली। डेटा क्या होगा, एक्स और वाई का डेटा आप लोगों को एक्सरसाइज खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको एक्स और वाई का डेटा आपको दिया हुआ है। आपने वो साइड पे आप देखें, हाईलाइट मैंने किया हुआ रेड मार्कर से कि हमारे पास एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है। नीचे मैंने समेशन डाला हुआ है। समेशन का मतलब ये है कि आपने एक्स की सारी वैल्यूज़ को जमा करना है। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर्स ले लें और फिर आप देखेंगे, करेंगे हम मिलके करते हैं कि हम कैसे इसको प्लस करते हैं। उसके बाद फिर एक्स वाई का कॉलम कैसे बनाना है कि एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमने एक्स वाई के कॉलम में लिख रहे हैं। उसके बाद है एक्स स्केयर। एक्स स्केयर का क्या मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यूज़ को स्केयर करना है। ठीक है, और फिर नीचे समेशन, मतलब उन सबको फिर जमा करना है। फिर हमने ये सारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की, वाई की, एक्स वाई की और एक्स स्केयर की, हमने नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। बस हमने क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही करना है अभी फ़िलहाल, कि हमने ए और बी के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। बेटा ये नॉर्मल इक्वेशंस भी इसीलिए ही लिखी जा रही हैं और इनको सॉल्व भी इसीलिए ही किया जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम ए और बी के वैल्यूज़ को निकालेंगे बाहर। तो ये हमारे पास वाई लाइन जो है वो रिग्रेशन लाइन वाई और वाई ऑन एक्स जो है वो हमें एस्टिमेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड जिसमें हम नॉर्मल इक्वेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसमें हम सिर्फ फार्मूले लिखते हैं और हमारे पास ए और बी की वैल्यूज जो है वो आ जाती हैं। बी इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई का क्या मतलब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स। एन क्या है, नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़, तो हम वो डेटा के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट कर लेंगे, वो हमारा एन बन जाएगा। माइनस समेशन एक्स होल का स्केयर। होल का स्केयर मतलब यहाँ पे समेशन एक्स लिखना है और उसका स्केयर लिखना है, करके फिर हमें माइनस करना है। खैर जब हम फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा ए क्या होता है, इससे हमें डायरेक्ट बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार मतलब समेशन वाई बाय एन, एक्स बार कैसे, समेशन एक्स बाय एन। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें हमने डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं और बी और ए की वैल्यू हमें पता लग जाएंगी। ठीक है, हम एक्सरसाइज में आ जाएं, क्योंकि हम मैं आपको एक क्वेश्चन करके इस दोनों मेथड्स को अप्लाई करूंगी और आप देखिएगा कि हम कैसे अपनी लाइन को प्रिडिक्ट कर लेंगे। बेटा ये एक्सरसाइज में चले जाएं, पेज नंबर है 266। आप अपनी एक्सरसाइज में आ जाएं, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ें। उन्होंने कहा हुआ है कंप्यूटर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स।
आपने क्या करना है, रिकर्शन इक्वेशन वाई ऑन एक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये हमने नॉर्मल इक्वेशंस का ही काम किया है इस पहली क्वेश्चन में। देखें, एक्स और वाई का डाटा दिया हुआ है, हमने वो लिखा है, उसके साथ एक्स वाई कैसे आया है कि आपने 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 5 से किया, 40 को 4 से किया, एंड सो ऑन सो, ऐसे एक्स वाई का कॉलम बन गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे बना है कि आपने 25 का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर किया, 40 का स्क्वायर किया, एंड सो ऑन। ये आपके ने कॉलम बने हैं, और नीचे जो लाइन लगा के मैंने लिखा हुआ है ये सब वैल्यूज को जमा करके लिखा हुआ है। अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालें, अपने हाथों में पकड़ें, और आप ये इन सब को ऐड करें, आपको पता लग जाएगा कि ये काम कैसे हो रहा है। अब हम रिग्रेशन लाइन लिखेंगे, क्या है वो हमारी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं वो ये हैं जो मैंने दो लिख दी हैं। उसके बाद नीचे क्या है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग मतलब वैल्यूज को पुट करें आप। तो पहली इक्वेशन क्या है, समेशन वाई, समेशन वाई क्या हमारा जो 30, ऊपर देखें जो मैंने रेड से लिखा हुआ 30 है उसका समेशन, ठीक है जी। हमने 30 इज इक्वल टू 5a लिखा हुआ है। 5 क्या है, नंबर ऑफ द वैल्यूज। आप डाटा पे देखें कितनी वैल्यूज हैं x और y की, आप काउंट करें तो ये 5 वैल्यूज हैं। तो ये 5a प्लस b समेशन x, समेशन x क्या है हमारे पास 210, ठीक है जी, 210b। और दूसरी क्वेश्चन कैसे है जी, समेशन एक्स वाई क्या है, 1315 इज इक्वल टू समेशन एक्स है दैट इज 210a प्लस समेशन एक्स केयर क्या है 9850, ये आप लिखेगी, और b, ठीक है जी। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गए। अब बेटे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने a और b की वैल्यूज़ को यहाँ से निकालना है, तो हमने या a को सेम करना है या b को सेम करना है। किसी दो हमें किसी दो मतलब दोनों इक्वेशन में अगर a सेम करना है, क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तब हम b की वैल्यू निकालेंगे ना, तो इस वजह से हमने a को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, a देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5a है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है 210a है, तो हमने जो ऊपर 5a है हम उसको भी 210 बनाना है ना, तभी सेम होगा ना। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 को 42 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो 210 बन जाए, समझ आ रही है आप लोगों को। फिर हमने इस पूरी इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर हमने इसको सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि बेटा माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट होंगे ना, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे पहले इक्वेशन 2 लिखी है, और नीचे जो हमने वो 1260 लिखा हुआ है, 210a और 8820, ये बेटा इक्वेशन 1 लिखी हुई है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 42 से मल्टीप्लाई करके, आप अपने अपने कैलकुलेटर्स पे चेक करें। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हमने माइनस किया है, ठीक है, 210 a और 210a ये माइनस हो गए। बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस का हो गया, ये 210a प्लस का था ये माइनस का हो गया, ऊपर 1260 ये भी जमा का था ये माइनस का हो गया। तो ये हमने एक प्लस का एक माइनस का, a जो है वो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो ये 1315 में से 1260 आप माइनस करेंगी, इसी तरह आप 9850 में से 8820 को माइनस करेंगी, तो ये आपके पास 55 और 1030 b आ जाएगा। तो b क्या होगा, वो 1030 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 55 को आप डिवाइड करें 1030 से, तो ये b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, ऊपर देखें, सब्सिट्यूटिंग बी इन इक्वेशन 1, हम इस बी की वैल्यू को किसी भी एक 1 में हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या करें, बी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, देखें 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 210 इनटू, मैंने बी की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब बी की वैल्यू जो लिखी है दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 11.13 को, तो वो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि जमा का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 30 में से माइनस करें तो ये 18.87 आता है, 5 को इधर लेके आए डिवाइड हो जाएगा तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। बेटे ये क्वेश्चन a में a भी फाइंड हो गया, इस क्वेश्चन में हमें b भी फाइंड हो गया। अब हमारी फिटेड लाइन क्या है, दैट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, याद है ना आपको, a क्या है आपका 3.774 प्लस b क्या है 0.053 और ये साथ x, और मैंने y के ऊपर ना हेड डाल दिया है, वो देखिए छोटा सा कैप डाल दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y जो है वो आपका
एस्टीमेट हो गया, ये फिटेड हो गया। ठीक है, हमने जब भी फिटेड लाइन निकालनी है तो हमने वाई के ऊपर क्या डाल देना है, हेड डाल देना है कि वाई ऑन एक्स है, फिटेड लाइन है। तो बेटा ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड के साथ किया। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि आपने बी का फार्मूला लिखना है और उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, बी की वैल्यू आ जाएगी। ए का फार्मूला लिखना है, आपने वाई बार एक्स बार निकालना है, इस तरह ए के अंदर जो है वो आपने वैल्यूज़ को फिट पुट करना है और ए की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह ये आपकी फिटेड इक्वेशन बिल्कुल वही निकलेगी जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन से निकली है। तो ये दो मेथड हैं बेटा, जो आसान लगे आपको मेथड उससे आप इक्वेशन को आप एस्टिमेट कर लें। आप एक्सरसाइज में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम यही कहा हुआ है कि आप जो है वाई ऑन एक्स वैल्यू निकालें, लेकिन एक छोटी सी बात एडिशन है कि आपने डिटरमिन करनी है वाई हेड को, आपने वाई डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वाई हेड व्हेन एक्स इज 7। तो आपने आगे काम थोड़ा सा और करना है कि जब वाई की वैल्यू वाई हेड की आपकी लाइन फिट हो जाएगी तो आपने एक्स की जगह पे 7 पुट करके आपने वैल्यू को एस्टिमेट करना है। ठीक हो गया जी। इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने थोड़ा सा हिंट लिख दिया है कि इसमें सप्लाई और प्राइस क्या है, एक्चुअली ये एक्स और वाई हैं। आपने इसमें बिल्कुल इसी तरह लाइन को फिट करना है, दैट इज़ वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और फिर एक्स की वैल्यू 92 पुट करके आपने वाई की वैल्यू को एक वैल्यू जो है वो एस्टिमेट करनी है, एक वैल्यू निकालनी है। दो काम आपने करने हैं, एक आपने लाइन निकालनी है और एक आपने एक्स की वैल्यू डालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, इसमें अपना प्राइस और डिमांड जो है, प्राइस जो है वो एक्स है, डिमांड आपकी वाई है, और आपने इसी तरह लाइन निकालनी है, दैट इज़ वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लाइन निकालने का मतलब क्या है कि आपने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बेटा ये 2-3 सवाल जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, बल्कि करके आप लोगों ने मुझे चेक भी करवाने हैं। जो चीज़ समझ नहीं आएगी मुझसे पूछना है, मैं आप वेट करूँगी आप लोगों, आप समझिए मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोगों ने ये 2-3 सवाल मुझे करके दिखाने। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ रेजिड्यूज, और इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ना पूछा हुआ है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि सम ऑफ रेजिड्यूज फाइंड आउट करें, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिड्यूज फाइंड आउट करें। बेटा ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कि रेजिड्यूज क्या होते हैं, सम ऑफ रेजिड्यूज क्या होते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिड्यूज क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। आप जहाँ तक मैंने आपको काम दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको करने के लिए दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। ठीक है, आप अपने अपनी नोटबुक्स खोलें और आप इनको इसको अप्लाई करें बिल्कुल उसी तरह, और आप लाइन निकालें और आप मुझे बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं अपने लेक्चर 3 में। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।